इसमें आगे करते हैं, आज हम करेंगे टेक्स्ट फार्मूला, टेक्स्ट से रिलेटेड। पर लॉजिकल में एक फंक्शन रह गया था अपना, ट्रू फॉल्स और इफ। ट्रू फॉल्स का फार्मूला है, पर ये ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है, ट्रू का फार्मूला डालूंगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स का फॉल्स। जब आपके पास एरर आती है, जैसे हैश एने एरर आती है वी लुकअप यूज़ करने में, डिवाइड यूज़ करने में, डिवाइड बाय ज़ीरो, इस तरह की एरर आती है ना, तो उसके लिए इफ एरर यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे अब मैं इसको डिवाइड बाय ज़ीरो करता हूँ, तो ये वाली एरर आती है। तो किसी में एरर आने वाली हो, आपको पता है कि एरर आ सकती है, तो वहाँ पे हम इफ एरर का फार्मूले में कैप कर देंगे उस फार्मूले को। जैसे कि इससे पहले मैं डाल दूँगा इफ एरर। इफ एरर में पहला लेता है वैल्यू, वैल्यू या फार्मूला कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, पूरा फार्मूला, फिर कॉमा, वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आए तो क्या देना है। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी मैसेज दे सकते हैं या दूसरा फार्मूला दे सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपका आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब एरर आ रही है तो कस्टम मैसेज या वो फार्मूला चल जाएगा। ठीक है, तो इफ एरर का यूज़ इस जगह पे करते हैं। अब देखते हैं अपने टेक्स्ट फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला है इसमें भाट टैक्स का। ये एक्चुअली भाट जानते हो कहाँ की करेंसी होती है, थाईलैंड की करेंसी है। तो इसमें ये एक्चुअली नंबर टू वर्ड कन्वर्जन है, अपने वैसे किसी काम का नहीं, पर बता देता हूँ। ये थाई लैंग्वेज में आपको नंबर टू वर्ड कन्वर्जन देता है, जैसे 1234 है तो ऐसे करके देगा। इसको गूगल ट्रांसलेट में चेक कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद है कैर और कोड, दो फार्मूले हैं। ठीक है, आस्काई कोड के बारे में आपको पता है, आस्काई कोड्स क्या होते हैं? आस्काई कोड्स एक्चुअली सिस्टम में ये कैरेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो उसके लिए कुछ कोड्स होते हैं, तो उनको आस्काई कोड्स कहते हैं। इसका मैं दिखाता हूँ कि कैसे, उसमें एक बार पूरी टेबल दिखा देता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसमें कुछ कोड्स होते हैं। आस्काई टेबल, आस्काई टेबल, ये वो टेबल है। जैसे आपके ये जो है, ये आपके कोड है, ये आपके वो करेक्टर हैं। जैसे 1 2 3 के लिए अलग से कोड है, इसी तरह से ए का कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का 97 है, तो ऐसे कुछ कोड्स होते हैं।
जैसे अगर चेक करना हो तो हमारे पास कोड का फॉर्मूला है, और किसी आस्काई का कैरेक्टर चेक करना हो तो इसी तरह से आपने देखना है स्पेस का क्या होता है, 32, ठीक है। तो ये कैर कोड होते हैं। अब इसका मैंने एक बार मेरे को यूज़ पढ़ा था कि किसी ने कहा था कि ए बी सी डी को ना ड्रैग करके बताओ, ए बी सी डी ड्रैग होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर, और कैरेक्टर में मुझे ऊपर वाले का कोड निकाल के उसमें प्लस वन कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने फार्मूला ड्रैग कर दिया, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। एक और चीज़, कैपिटल ए और स्मॉल ए में 32 का डिफरेंस होता है, तो अगर मुझे इसको बदलना है, स्मॉल में कन्वर्जन करना है, तो प्लस 32 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि चार्ट बनाने वालों, ऐसे चार्ट जो मतलब वीलुकअप से भी कॉल हो सके, वीलुकअप आता है सबको, मैं दिखाता हूँ बेसिकली आइडिया क्या है जिसके अंदर इसको यूज़ किया था हमने। ये चीज़ें डैशबोर्ड्स वगैरह में काम आ जाती हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास, हमने क्या किया, इसका रिपीट का फंक्शन होता है एक, ठीक है, REPT। इसमें क्या है कि कोई भी टेक्स्ट आप n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्टार ले लिया, मैंने कहा इतनी बार इसे रिपीट कर दो, ठीक है जी। तो ये ग्राफ की तरह दिखाने लगा है ना, ग्राफ की तरह दिखा रहा है। तो अगर इसे रेशनल करना है तो मैं डिवाइड बाय 10 भी कर सकता हूँ या डिवाइड बाय 5, ताकि ये छोटा हो जाए, है ना। तो इस कैरेक्टर की जगह मैं पाइप लगा देता हूँ, पाइप आपका बैक स्लैश के ऊपर होता है इस तरह से, ठीक है। ये कैरेक्टर, और इसका अगर मैं फॉन्ट में ब्रिटानिक बोल्ड ले लूँ तो ये एकदम आपस में चिपका हुआ जाएगा, ठीक है। इसका फॉन्ट कलर कुछ भी चेंज कर दो तो ये आपको एक चार्ट जैसा दिखेगा, ठीक है। अब मान लो एक और सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे दोनों एक ही जगह दिखाने हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि एक जगह दिखे। हम जैसे ऑल्ट एंटर करते हैं ना, जैसे अगली लाइन में जाना है, लिखना है मुझे, तो ऑल्ट एंटर करते हैं, ऑल्ट के साथ एंटर करते हैं। तो अब फार्मूले में मुझे वही चीज़ लानी है, तो फार्मूले में उसको तोड़ने के लिए, जैसे कि अब अगर मैं इसको दिखा दूँ कि मैं क्या वैल्यू ले रहा हूँ, तो कंकैटिनेट कर सकता हूँ इसी वैल्यू को, तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मुझे दूसरे का भी चाहिए कंपैरिजन में, तो यही फार्मूला जो है मैं रिपीट कर दूंगा इसी में, और कंकैटिनेट कर दे रहा हूँ, बी की जगह C4। अब दूसरी रेंज का भी आने लगा, पर मुझे चाहिए एक के नीचे एक में, ठीक है। उस केस में मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एंटर चाहिए मुझे बीच में फार्मूला के, तो ऑल्ट एंटर का जो होता है कोड होता है 10, तो उस कैरेक्टर को मैं इसके बाद यहाँ डाल दूँगा, कैर 10, ठीक है। इसको बीच में कंकैटिनेट कर, पर ये एक्टिवेट तभी होता है जब आपका रैप टेक्स्ट ऑन हो, ठीक है, आ गया। और अगर इसको बार चार्ट की बजाय कॉलम में जाना है, जैसे अभी ज़्यादा छोटा है, मैं इसको 5 से कर देता हूँ डिवाइड,
हाफ तकरीबन दिखाएगा, ठीक है। अब इसको घुमाना है, तो यहाँ से अलाइनमेंट में जाके इसको ऊपर कर दिया मैंने, ये कॉलम चार्ट की तरह दिखाने लगा, ठीक है। अब नंबर चेंज होगा, तो आपका चार्ट भी चेंज होगा, ठीक है ना। इस तरह से करने का क्या फायदा है कि मान लो इनकी आईडी रख देता हूँ C001, और यहाँ पे एक लिस्ट में दे देता हूँ। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन हमारे पास ऑप्शन होता है, और डेटा वैलिडेशन में एक लिस्ट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप कोई भी लिस्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या आएगा, एक ड्रॉप डाउन आएगी, उसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, वैलिडेशन के अंदर। बाकी ऑप्शन भी बताऊंगा डेटा वैलिडेशन के। और वी लुकअप के ज़रिए किसी आईडी के बेस पे उसका डाटा लिया जा सकता है। तो लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ठीक है, टेबल मतलब वो फुल डेटा। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढ रहा है, ये ढूंढना है इसके अंदर, ये अपने पहले कॉलम में ही ढूंढेगा। आपका जो टेबल एरे देते हैं ये वाला, इसमें पहला कॉलम वो लुकअप वैल्यू वाला ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉलम इंडेक्स बोल रहा है कि जो आपका सिलेक्शन है उसमें कौन से कॉलम से आपको डेटा लेना है, क्योंकि यहाँ तो चार कॉलम सिलेक्टेड है ना, तो मैंने कहा चौथे से लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ से लेना है। बाकी इसके बाद फाल्स या ज़ीरो आता है हमेशा, ठीक है। अब ये आया फॉर्मेट प्रिंटर से, सेम फॉर्मेट इस पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट है, मैं इसको बदल सकता हूँ, किसी का भी आंसर दे, ठीक है ना। तो एक तरह से डैशबोर्ड्स वगैरह में यूज़ होता है। और वी लुकअप से इसलिए कॉल कर पाए क्योंकि ये कुछ एक फार्मूला ही था, सेल में कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो कैर कोड जो मतलब यूजलेस से लगते हैं फार्मूले, वो भी इस तरह से यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल पर्पज में। आगे देखते हैं, एक जब आप ईआरपी या सैप वगैरह से डाटा डाउनलोड करते हो तो उसमें ना कुछ साइन आ जाते हैं, कुछ निशान आ जाते हैं या कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट ऑफ कर दूं तो ये खट्टा दिखाएगा, ठीक है, पर इसके बीच में कैरेक्टर है, ठीक है। लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं उसके लिए लेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है 13 और नीचे वाले में दिखा रहा है 12, तो मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फार्मूला है क्लीन का, क्लीन में वो टेक्स्ट दे दो, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें से जो ना दिखने वाली वैल्यूज़ हैं वो हटा देगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ भी 12 हो गई। ऑल्ट एंटर जो दिख किया था है ना। अब इसके बाद और आगे फॉर्मूले देखते हैं। कंकैटिनेट का आपको पता है, वैसे ये क्लीन की तरह ही एक और फॉर्मूला है। कई बार ना आपके लिखने में कोई, कई बार बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, आगे या पीछे, तो आगे या पीछे के स्पेस को हटाने के लिए हम देते हैं ट्रिम का फॉर्मूला। ठीक है, जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे दो में आपको कंकैटिनेट करना है तो कंकैटिनेट का भी हमारे पास फॉर्मूला है। अभी हम जो एंड के साइन से करते हैं वो कंकैटिनेट के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट वन
कॉमा टेक्स्ट टू, इस तरह से इसमें कॉमा कॉमा करके वैल्यूज दे सकते हैं। अब इसमें स्पेस चाहिए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दिया, फिर कॉमा लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं कंकैटिनेट। कई बार हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, हम इनको, मैंने बताया था कि कंपेयर करने के लिए कि क्या ये इक्वल टू इसके हैं, इक्वल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मान लो कि कहीं कैपिटल में लिखा है, कहीं उसमें लिखा है, उसमें भी ये ट्रू ही दिखा रहा है। तो इस केस से आपको अगर चेक करना है कि एग्जैक्ट होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए, तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो फॉल्स दिखा रहा है, एग्जैक्ट होगा तो ट्रू दिखाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास एक फिक्स्ड का फॉर्मूला है, नंबर, अब इसमें डेसिमल लगाने या नहीं लगाने, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग में होता है ना, तो ऐसे ही इसमें डेसिमल कितने प्लेस तक, दो डेसिमल प्लेस तक, उसके बाद कॉमा, नो कॉमा, अगर कॉमा लगाने हैं तो ट्रू देना है, नहीं अगर कॉमा लगाने हैं तो फॉल्स देना है, अदरवाइज ट्रू देना है, ठीक है। ये यूज नहीं आते वैसे ज़्यादा। इसी तरह से हमारा डॉलर का फार्मूला होता है, वो आगे करेंसी में डॉलर, नंबर में डॉलर लगा देता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिक्स्ड और डॉलर, या टेक्स्ट का जो है आपके पास ऑप्शन, उसके अंदर टेक्स्ट के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, वो अभी बताता हूँ, वो अभी बताता हूँ, वो लास्ट में बताता हूँ, ताकि बाकी उससे पहले के फॉर्मूले, क्योंकि वो लंबा है प्रोसीजर, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे फार्मूलों का यूज़ होगा, ठीक है। बाकी केस चेंज करने के लिए आपके पास है फार्मूला अपर, मतलब कैपिटल में दिखाने हैं सारे, लोअर, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, टाइटल के इसमें दिखाने, तो अपर लोअर प्रॉपर तीन फॉर्मूले ये हो गए। उसके बाद रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस कोई चीज़ बदलनी है इसमें से, जैसे पुराना टेक्स्ट ये था, उसके बाद स्टार्टिंग क्या लेनी है, जैसे मुझे बदलना है ई को आई में, ठीक है, ये सिंगल ई को आई में बदलना है, तो मैं बताऊंगा ये कौन सा है, 1 2 3 4 फिफ्थ कैरेक्टर है, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर। और 5 से लेकर कितने चेंज करने हैं, मतलब डबल ई को अगर आई में करना है तो मैं 2 ले लूँगा, दोनों करैक्टर ले लिए। उसके बाद इसको बताना है कि उसकी जगह क्या आना है, मैंने कहा आई लगाना है उसकी जगह, ठीक है, तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे आई ले, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस के जैसा ही सब्स्टिट्यूट है, बस इसका डबल आई चाहिए तो डबल आई आपको यहाँ पे इसी टेक्स्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट भी सेम है, पर इसमें कैरेक्टर गिनने का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें सीधा सीधा देना है टेक्स्ट, और इसमें बताना है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, सिंगल ही कर देता, और न्यू टेक्स्ट क्या है, ठीक है, तो ये आपका चेंज कर देगा। अब उसने सबको उसमें चेंज कर दिया, हाँ मैंने सिंगल ही दिया था, इन्होंने दोनों में चेंज कर दिया, तो इसके लिए इसका जो अगला पैरामीटर है वो है इंस्टेंस नंबर,
अब आप इसमें बता सकते हो पहला वाला चेंज करना है ई कि दूसरा वाला चेंज करना है, ठीक है? कुछ नहीं दोगे तो सबको चेंज कर देगा, तो मैंने कहा दूसरे वाले को चेंज कर लो, ठीक है? तो वो होगा, तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। तो अब इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला आपको पता है, देखो ये डेट है, तो जितने हमने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में किया था वो सारे कोड हम यहाँ चला सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट के फॉर्मूला के अंदर, टेक्स्ट में आपको देना है कि क्या टेक्स्ट है, उसके बाद फॉर्मेट क्या रहेगा। जैसे कि ये डेट का है तो मैं कर दूँगा डी, मैंने कहा पहले फुल डे नेम दिखाओ, फिर उसका मंथ दिखा दो, फिर ईयर दिखा दो, तो इन्वर्टेड कॉमा में ये आपको देना पड़ेगा कि इस तरह से दिखा देगा, ठीक है? टेक्स्ट के फार्मूला में कस्टम फॉर्मेट सारे चलते हैं, टेक्स्ट का फार्मूला इसीलिए होता है। कभी आपको चाहिए मंथ ही खाली, मंथ दिखाना है कि कौन सा मंथ है, तो मंथ के लिए MMM इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है? अब आते हैं उस नेम वाले पे। ठीक है, अब हमें करना है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, ठीक है? तो हमारे पास जब हमें लेफ्ट से वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट का फॉर्मूला है, मतलब जैसे संदीप लेफ्ट से चाहिए, तो टेक्स्ट क्या है और कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा 7 कैरेक्टर चाहिए क्योंकि 7 का नाम है, ठीक है? उसके बाद मुझे अगर मिडल से वैल्यू चाहिए तो मिड का फॉर्मूला है, मिड में आपको टेक्स्ट होता है और बीच से निकालने के लिए आपका होता है स्टार्ट नंबर, की स्टार्ट कहाँ से करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और कितने कैरेक्टर लेने हैं। तो 7 पे कैरेक्टर का फर्स्ट नेम हो गया, स्पेस 8वां हो गया, के जो शुरू हो रहा है वो 9वां कैरेक्टर है, तो 9 से स्टार्ट करना है और कुमार कितने कैरेक्टर हैं टोटल, 5, तो 5 ले लिए, ठीक है? इसी तरह आप राइट से निकालने हैं तो राइट से, ये पीछे से लेता है, तो कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है? पर इसमें तो हर केस में ये चल नहीं सकता, ठीक है? अगर मैं इसको करता हूँ तो एरर आती है। इसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, पहले इसमें पहले तो हमें पता डायनेमिक करने के लिए फर्स्ट स्पेस का है, फिर उसका सेकंड स्पेस कहाँ आ रहा है, ये वाला, और टोटल लेंथ क्या कैलकुलेशंस के लिए। तो स्पेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मैंने कहा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, इसके अंदर फाइंड करना है, तो उसने दे दिया कि 5वें पे, ठीक है? अब ये इसका फर्स्ट स्पेस का फायदा क्या होगा कि ये जो फार्मूला है इसमें जो मैं बोल रहा हूँ कि कितने कैरेक्टर चाहिए, तो स्पेस अगर 5वें पे है तो 1 उससे कम, ठीक है ना? तो यहाँ से -1 कर देंगे, आ गया सही, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्पेस फाइनल करना है, क्योंकि फर्स्ट स्पेस +1 से तो करेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और सेकंड स्पेस माइनस टोटल लेंथ जो होगी उससे हमें पता पड़ जाएगा, नहीं, फर्स्ट स्पेस माइनस सेकंड स्पेस जब हम करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि बीच में कितने हैं, है ना? तो सेकंड स्पेस फाइंड करने के लिए आपका फाइंड का ही फॉर्मूला लगेगा, स्पेस फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, इसमें फाइंड करना है, इसका तीसरा जो वो है स्टार्ट नंबर क्या रहेगा, ये पूछ रहा है कहाँ से सर्च करना है, स्टार्ट करो। तो जैसे पहला स्पेस 5वें पे है तो अगर मैं 5 देता हूँ यहाँ पे तो ये 5 का ही स्पेस दे देगा कि 5 पे उसे पहली बार में ही स्पेस मिल जाएगा। तो मैं एक आगे से चलता हूँ, पी से 6 से चलता हूँ, ठीक है?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस प्लस वन। अब ये बता रहा है 12वें पे, टोटल लेंथ के लिए लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब लगाते हैं मिड का फॉर्मूला। मिड के फॉर्मूला में क्या लगाना पड़ेगा, जैसे ये 9 है, ये मतलब कि ये स्टार्टिंग कितनी है, तो ये होगा मेरा फर्स्ट स्पेस प्लस वन, ठीक है। करेक्टर कितने लेने, करेक्टर लेने हैं मैंने सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस और माइनस वन, ठीक है। 12 में से 5 गए कितने, 7, और यहाँ 6 का है ना टोटल, तो माइनस वन, ठीक है, ये भी हो गया। अब राइट वाला, राइट में 5 आ रहा है, तो राइट के लिए 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, 20 में से 12 गए 8, सेकंड स्पेस माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, ठीक है, आ गया। ये तो सर हर नाम के आगे लगे फॉर्मूला सेट करना है। नहीं अभी देखो, हर एक नाम के आगे नहीं, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, अभी तो मैंने डायनेमिक किया है, तो अगर इसकी जगह आर के सिंह भी होता, ठीक है, तो ये सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, पर ऊपर वाले में करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिक्स था, इसमें हो गया डायनेमिक इसकी वजह से, क्योंकि ये नंबर बदल गए, है ना, और मैंने उन फार्मूलों पे इसको डिपेंड कर दिया। अब ये 3 हो गए। अब देखो, अब बात आती है कि कई बार मिडल नेम नहीं होता है ना, जैसे रवि कुमार, ठीक है, तो अगर मैं फार्मूला कॉपी करूं तो क्या आ रहा है, रवि सही आ रहा है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ एरर आ रही है वहाँ देखो, और एरर के लिए मैंने कौन सा फार्मूला बताया, इफ़ एरर वाला, ठीक है। पर उससे पहले इसको क्या करते हैं, उससे पहले पिंटू शर्मा, उससे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से छुड़ा देते हैं, कि इसको पीछे पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक ही फार्मूला काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इनकी डिपेंडेंसी तलाश करनी पड़ेगी, जैसे ये डिपेंड है इस पे, ये डिपेंड है इन दोनों पे, ये डिपेंड है इन दोनों पे, तो इनकी डिपेंडेंसी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब इन तीन फार्मूले की बात की जाए, तो ये इंडिविजुअल है, ये डायरेक्ट डाटा पे, पर ये जो है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो पहले मुझे इसको करना पड़ेगा सही। तो मुझे क्या करना है, ये फाइंड वाला जो फंक्शन है, इसको लिया, कॉपी किया, ये किस में है, F4 में, तो इसमें भी फाइंड वाइंड का कहीं ना कहीं लगा हुआ है ना, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे चांसेस था कि फाइंड का फंक्शन लगा हुआ है, कॉपी किया, फाइंड लगाया मैंने, और उसमें ये डाल दिया कि F4 फाइंड करो जो फार्मूला में होगा, और उसको रिप्लेस कर दो इससे, ठीक है, एक एक बदलने से अच्छा है एक बार में ही बदल लो, और यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, 4 रिप्लेसमेंट की इसने, तो कहाँ कहाँ किया, एक यहाँ पे ये फाइंड का फार्मूला वहाँ से लगा दिया अंदर, ठीक है, यहाँ पे लग गया, इसमें लग गया, जहाँ जहाँ F4 था वहाँ वो लग गया, ठीक है। तो अब इसकी डिपेंडेंसी हट चुकी है, अब ये तीनों जो हैं इस डेटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, तो अब मुझे इसको कॉपी करना है, कॉपी किया मैंने, अब ये सेकंड स्पेस का भी फार्मूला इनमें से कहीं लगा होगा, तो वही करना है मैंने, सेकंड स्पेस किस में, G4 में, G4 में, और वो फार्मूला मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, रिप्लेस ऑल, दो जगह बदल दिया इसने। अब ये फार्मूला
यहाँ मिड में था ना, ये फॉर्मूला बदल गया, ठीक है। अब खाली ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो एच फोर, और वो भी खाली यही यूज है, इसको ऐसे ही कर देते हैं। एच फोर की जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, ये फॉर्मूले अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। अब डालते हैं वो जो अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये सही आ रहा है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एरर आ रही है, इसमें एरर आ रही है, तो इसके लिए क्या करना है मुझे, पहली एरर मिडल नेम की तो ज़रूरत नहीं है, तो मुझे क्या कर देना है, इफ़ एरर में कैप कर देना है। अगर इसमें एरर आती है पूरे फार्मूला में कहीं, तो क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक के लिए दो बार इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है, ये फार्मूला सही हो गया। उसके बाद ये जो फार्मूला है लास्ट नेम वाला, लास्ट नेम में दिक्कत आ रही है, तो इफ़ एरर के अंदर ही डालेंगे इसको, ठीक है। और ये जो वैल्यू बता रहा है उसमें डबल के केस में किस तरह से चलेगा ये बताना है। तो ये अपना क्या है, राइट का फार्मूला है, ठीक है, मैं यही इसी में ही लगा दे रहा हूँ। राइट का फार्मूला लगेगा इसके अंदर, और इसमें से नंबर ऑफ करेक्टर्स लेने हैं टोटल लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, ठीक है। टोटल लेंथ ले ली मैंने इसकी, माइनस फर्स्ट स्पेस के लिए फाइंड किया मैंने इसमें स्पेस विद इन टेक्स्ट इसके अंदर, और ये फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। अब आ गया, जब एरर आएगी तो वो इस तरह से बिहेव किया करेगा, जब इस तरह से आएगा तो इस तरह से आएगा, ये ऐसे आएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, क्या है? वो जब भी तो लाइन वाई वाला लाइन, मैंने कहा था ना ये बड़ा फार्मूला है, थोड़ा हॉचपॉच कहाँ हो गया इसमें, पहले ऊपर से इफ एरर तक तो समझ आ गया ना, ये लास्ट वाला समझने में हुआ होगा कि इसमें इस वैल्यू को कैसे निकाल रहा है। तो इस वैल्यू को इस तरह से निकाल रहा है कि पहले फाइंड फर्स्ट स्पेस हमने निकाल लिया इसमें। अब सिंपल देखो, टोटल लेंथ कितनी है, तीन है इसकी, पहला स्पेस कहाँ है, दो पे है, तीन में से दो गए एक, लास्ट वैल्यू निकल आई, यही किया है मैंने, ठीक है। यही फार्मूला मैंने राइट का जो है वो यहाँ लगा रखा है। अगर देखो तो ये फार्मूला लगाया, ठीक है। अब इसमें टोटल लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, सिंपल है राइट में, वो मैंने इफ एरर के बाद लगा दिया इसमें, कि अगर वो पुराने वाले फार्मूला में कहीं दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि फार्मूला हमेशा बनता है तोड़ के, अगर इकट्ठे बनाओगे नहीं चलेगा, वो समझ ही नहीं आएगा पहले, तो लॉजिक हमेशा वो होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आर के वाला अपना ये मतलब सेकंड लास्ट नेम वाला इश्यू रिजॉल्व हो गया। पर अगर इसमें होता सिंगल नेम, अब क्या, तो इसमें भी एरर दे रहा है, उसमें भी एरर दे रहा है, ठीक है, बीच वाला तो सेट हो चुका है। तो इस वाले को क्या करना है, जहाँ एरर आ रही है वहाँ इफ एरर लगा देना है, इफ एरर। अगर इसमें एरर आती है तो क्या कर देना है, फर्स्ट नेम ही होगा तो ये ले लेना है, ठीक है, ये हो गया सही। और इसमें अगर एरर आ रही है तो इस इफ एरर के ऊपर एक और इफ एरर लगा दो, कि इस फॉर्मूला में कहीं एरर आती है तो लास्ट में वैल्यू इफ एरर में क्या देना है, ब्लैंक कर देना है, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। अब उसके बाद नीचे फार्मूला ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। जब ऐसा भी हो सकता है हमने फार्मूला बना के रख दिया और वहाँ कुछ नहीं है, तो कम से कम ज़ीरो तो ना दिखाए। तो मुझे क्या करना है, इस फार्मूला को लेना है कॉपी, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इफ़ से ये फार्मूला चेक कराना है कि अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज यही फार्मूला चलाए, ठीक है, काम हो गया। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया जो मैंने ड्रैग कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे
सिंगल डालो, ठीक है, सेम फार्मूला आपका इस सब में काम करेगा। ये सब चीज़ें खाली फार्मूला प्रैक्टिस के लिए करनी है, ठीक है। अब कईयों का चार भी नाम होता है जैसे साउथ वाले होते हैं, तो वो भी आगे बढ़ाया जा सकता है वैसे ही लॉजिक सोच सोच के कि चार के केस में कैसे करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। अरे भाई, ये जहाँ तुम्हारे हजारों नाम हो तो वहाँ लिखने से अच्छा है थोड़ी सी मेहनत कर लो। कोई नहीं, अब ये जितना भी फॉर्मूला दिखाया मैंने तुम्हें, अब इधर आ जाओ। टैक्स के फॉर्मूले दिखाए, एक्सेल 2013 में क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नाम है, मैंने कहा एस के सिंह, ठीक है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल क्यू, नहीं कंट्रोल क्यू नहीं, फ्लैश फिल के लिए क्या है, इसमें फ्लैश फिल एक नया फीचर ऐड हुआ है, ये फ्लैश फिल क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल ही है, कंट्रोल ही, ठीक है। अभी इसने क्या किया कि गलत करके दिखाया है, ठीक है। इसको दूसरा सजेशन देता हूँ मैं कि आर के सिंह, फिर कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई। अब इसमें काफ़ी सारे नाम हैं इस कारण ये इसको नहीं कर पा रहा। चलो, ये बेसिकली इसीलिए है, जैसे अब यहाँ पे मैं संदीप कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, फर्स्ट नेम आ गया कुमार, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, सेकंड नेम आ गया सिंह, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई। हाँ, कईयों में गलत करेगा क्योंकि ये फार्मूला से ज़्यादा अच्छा है, पर वैसे अगर आपके एक ही जैसे हो ना तो ये अपने आप कर देता है। फ्लैश फिल का फीचर है, जैसा आप बताओगे ना वैसे करेगा ये। जैसे अगर आपके आर के सिंह ये वाले नाम नहीं होते, तीन वाले ही नाम होते, तो ये वाला आपका फीचर जो है एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। सेम यानी कंटेंट सेम होगा। हाँ, जैसे एस के सिंह, अब मैंने फर्स्ट नेम कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, अब ये वाले जो है ये नाम गड़बड़ कर रहे हैं, कंट्रोल, एस के सिंह, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई। दूसरा देना पड़ेगा पी स्पेस के सिंह, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, ठीक है। तो ये कई बार मैच कर देता है, जैसे डॉट भी लगाना है एस के डॉट एस, इस तरह से कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, इसका मैंने सही कर दिया, ये कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई। तो कुल मिला के मतलब जहाँ सीधी साधी जगह हो वहाँ कर सकते हैं इसका यूज़, जैसे आप कैपिटल करके भी कर सकते हैं। पहला वाला एग्जांपल देना है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, पहले डेटा बाकी डिलीट करो, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, तो ये अपने आप कैपिटल कर देगा, लोअर करोगे लोअर कर देगा। तो ये फ्लैश फिल का है जिसके कुछ हद तक इसका काम किया जा सकता है विदाउट फार्मूला, और फार्मूला हमेशा आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेल नए वर्जन में इस चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश की है कि आपके छोटे मोटे यूजर्स जो हैं वो उस तरह से होने लगे विदाउट फार्मूला के।
ठीक है। बाकी कई बार क्या होता है कि आपके पास, जैसे मैंने कहा कि ये इस तरह से फिगर आ जाती है, और ये नंबर है पर टेक्स्ट की तरह आ रहा है, तो आपके पास क्या है कि वैल्यू का एक वो है जो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थे आपके टेक्स्ट के फॉर्मूला, ठीक है, जो टेक्स्ट के लिए काम आते हैं। एक और चीज़ है इसमें, जैसे कि कहीं आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, कहीं टेक्स्ट है, नंबर, टेक्स्ट, नंबर, ठीक है, तुम्हारे पास टी का फॉर्मूला है, जो जहाँ नंबर होगा वहाँ वो कुछ नहीं देगा, और जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ से टेक्स्ट पिक कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एन का फॉर्मूला है, जहाँ नंबर होगा वहाँ नंबर देगा, पर जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ वो ज़ीरो देगा। ठीक है, अगर ज़ीरो हटा के ब्लैंक करना है तो इफ़ के फार्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर इफ़ ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको ब्लैंक कर दें, अदरवाइज़ यही वाला फार्मूला चला दें। ठीक है, तो ये है, आगे करें कि आज के लिए काफ़ी है फार्मूला है, शॉर्ट नहीं, फिर मैं पूरा ही वो कराऊंगा ना मैथ्स के सारे। हाँ ज़्यादातर ही डेट, चलो नॉर्मली वी लुकअप बता देता हूँ। देखो ये आईडी बेस चलता है, ये जो भी होता है ना सब कुछ आईडी से चलता है। ठीक है, तो ये डाटा है जैसे हमारे पास, ठीक है, इसका यूज़ होता है कि इसमें से आपको, जैसे पहले मैं ये कॉपी कर देता हूँ हाइट यहाँ पे, देखो अब वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। वी लुकअप में पहले चार पैरामीटर होते हैं, ये आपको समझने होंगे कौन सा पैरामीटर क्या है। यूजेज आपको पता है कि क्या करना चाह रहे हैं इससे, कि यहाँ पे कुछ आईडीज़ हैं, उन आईडीज़ का हम डिटेल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू किसके बेस पर ढूंढना है। इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो लुकअप वैल्यू है वो आपके डेटा में जो है वो सबसे आपके सिलेक्शन में सबसे राइट में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट निकाल सकते हैं आप, लेफ्ट टू राइट नहीं लेकर, अगर आईडी यहाँ होगी तो आप ये डिटेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू इसके बेस पे ढूंढना है, किस में ढूंढना है वो इसमें ढूंढना है। ठीक है, चाहे तो ऐसे कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ज़्यादा बेटर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे सबसे बड़ी बात है, टेबल एरे को हमेशा फिक्स कर दो, डॉलर लगा दो, रो पे कॉलम पे, F4 से रो पे कॉलम पे दोनों पे डॉलर लगा दो। और इसमें क्या करना है, क्योंकि जब मैं इधर ड्रैग करूँगा तो इसका कॉलम ना बढ़े, रो बढ़नी चाहिए, तो इसमें F से पहले डॉलर लगा देता हूँ। ठीक है, ये डॉलर को ध्यान रखना बस। तो टेबल एरे हो गया हमारा फुल डेटा जिसमें से वैल्यूज़ आनी है। अब यहाँ पे देखो चार कॉलम सिलेक्टेड है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कॉलम सिलेक्टेड है, पर इस पे तो वैल्यू तो किसी एक कॉलम की आएगी ना, तो हमें ये बताना पड़ता है कि कौन सा कॉलम इंडेक्स है वो। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है,
तो नेम के लिए कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो दो डाल देना, उसके बाद कॉमा। और यहाँ पे हमेशा दो ऑप्शन है, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। हम हमेशा वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच करते हैं, ट्रू से भी अप्रॉक्सीमेट मैच करते हैं, वो भी बताऊँगा जब वो लुकअप रेफरेंसेस करेंगे। पर मैक्सिमम आपको पता पड़ेगा इससे, ट्रू का कोई एग्जांपल आपको दे नहीं सकता, मैं दे दूंगा आपको बाद में कि कैसे उसको यूज करना कहाँ है, तो फॉल्स करना है या ज़ीरो करना है, ठीक है। अब यही फार्मूला मैं बार बार तो लगाऊंगा नहीं, ड्रैग कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है इसमें, कॉलम इंडेक्स चेंज करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लॉक होना चाहिए कॉलम और डेटा आपका, नहीं तो डेटा सरके का पता चली पहली वैल्यू छूट गई और उसी को मांग रहा है, है ना। तीसरा कॉलम इंडेक्स और यहाँ पे चौथा कॉलम इंडेक्स, ये आ गया आपका। अब इस पूरी रो को पकड़ के ड्रैग कर दो, डेटा निकला है। तो ये आपका सिंपल वी लुकअप, ठीक है। आगे जो हम इस पर करेंगे तो इसमें और भी तरह के वी लुकअप बताऊंगा, वी लुकअप का एडवांस यूज। अच्छा, जो आपने रो सेलेक्ट करी है, हाँ, ये मैं एग्जांपल नहीं डाल सकता कैसे, जैसे आपने यहाँ पर कॉलम सिटी में चेंज किया था तो फिर सेल्स में चेंज किया, एक साथ कैसे डालोगे, तीनों एक साथ लाना चाहता है ऑनलाइन करके, ऑनलाइन करके तीनों तो कंकैटिनेट करना पड़ेगा। नहीं वैसे नहीं, जैसे आपने अभी यहां पर चेंज किया था, यहां पर कॉलम आपने एक एक करके चेंज किया, एक एक करके चेंज किया, हाँ, मैं एक बार में करना चाहता हूं, बार-बार चेंज नहीं करना। एक बार में नहीं होता, उसके लिए मैं आपको तरीका दिखाता हूं कि कर सकते हैं वो एडवांस वाले मेथड्स में। जैसे हाँ, मान लो कॉलम ज़्यादा है तो इसकी जगह है ना, ये एरे फार्मूला में आता है वैसे, ये डालो कर्ली ब्रेसेस, दो तीन चार, और कर्ली ब्रेसेस बंद करो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके तीनों करने हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा। ये फार्मूला की खास बात है, आप डिलीट करना चाहो नहीं होगा, ये डिलीट तभी होगा जब आप इसको पूरा फार्मूला सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये मल्टीपल सेल्स पे एक साथ वर्क करता है, ये एक ही फार्मूला है जो ये तीनों पे लगा हुआ है, तो डिलीट होगा तो तीनों को सिलेक्ट करके ही होगा, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे दो तीन चार डाला है ना, दो तीन पाँच, सारे कॉलम चाहिए नहीं होते, कई बार कुछ ही होते हैं, तो वैसे कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मेरी एक बार दुखी है, दूसरी बार खूब पड़ी है मेरी, हाँ वहाँ से कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये मान लो आपका दूसरी वर्कबुक में पड़ा है, ठीक है। अब डेटा के नाम से ये वर्कबुक है, तो उधर कैसे आएगी, यहाँ पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यहीं से आएगी और उसमें चले जाओ ऑल्ट टैब करके, ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लो, ऑलरेडी लॉग्ड है। इसमें देख लो क्या है, शीट का नाम यहाँ पे आता है, पहले आ रहा है इसमें फाइल का नाम, और अगर ये सेम फोल्डर में ना पड़ी हुई तो आगे इसका पूरा पाथ आएगा कि सी कॉलन स्लैश ये वो कहाँ कहाँ पड़ी है, तो इस तरीके से आएगा। शीट के ये फाइल का नाम बड़े ब्रैकेट में पड़ता है, शीट उसके बाद शीट का नाम, फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, फिर आपकी रेंज आती है, ठीक है। अब इसमें कॉलम इंडेक्स डाल दो, फार्मूला चलते रहो, क्योंकि अगर आप माउस से बदलने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमेशा फार्मूला बार पे ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे ही फार्मूला कंप्लीट हो जाए एंटर करो तो यहाँ पे आ जाओगे जहाँ आप फार्मूला लगा रहे थे, ठीक है। अब इसको ये एक फार्मूला लगने के बाद इसको कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है, वो उसी वाले मेथड से। एक और मेथड है इसका, पर वो आपको अभी
सीखना पड़ेगा अभी एडवांस में। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ खाली, पर इसको एक्सप्लेन मैं तब कर पाऊँगा क्योंकि ये बड़े हैं थोड़े से टॉपिक। अब जैसे मैंने टेबल एरे ले लिया फुल फिक्स, सारा का सारा काम जो होगा ना वो कॉलम इंडेक्स में ही होगा। यहाँ पे एक मैच का फंक्शन लगाऊंगा जिसमें लुकअप वैल्यू ऊपर से ले लूँगा और इसकी रो फिक्स कर दूँगा, और लुकअप एरे इसका मैं ये दे दूँगा जिसमें इसको फुल फिक्स कर दूँगा, और उसके बाद 0, 0 ये। अब ये एक फार्मूला है, इसको आप ड्रैग करो तो पूरा, और इसमें एक चीज़ और भी हो जाती है। अब इसमें मैंने टू वे लुकअप लगाया है, यहाँ से आईडी तो लुकअप कर ही रहा हूँ, दूसरा मैं ये भी लुकअप कर रहा हूँ कि कॉलम कौन सा है, कॉलम किस में, इस वाली हेडिंग में। अगर इसमें से मैच क्या करता है, नंबर देता है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो मैंने जब इसको बोला देखो मैच के अंदर क्या है, लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे है, सेम चीज़ है, लुकअप एरे इसका ये है, ये वाला है। तो इसमें से इसने ये पोजीशन बताया कि एरे में कौन सी पोजीशन पे है, तो एरे में कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, ये तीसरी पे, ये चौथी पे, तो यही नंबर इनसे कैलकुलेट होके आए। अगर आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो फार्मूला में जाके एवेल्युएट फार्मूला पे कर सकते हो। देखो यहाँ आईडी आ गई, मैच का फार्मूला, हेडिंग उठाई नेम की, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया है ना। ऐसे ही अगले में जो है वो 3 आएगा, सिटी 3 आ गया, ठीक है। तो ये वहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बेस पे सारा काम हो रहा है, तो अगर आप जैसे ही कॉलम बदलोगे तो नीचे की वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू बदल जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वो भी कर सकता हूँ, लिस्ट भी बना सकता हूँ। और ये हमेशा ना ये कॉलम की वैल्यू लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लिस्ट लगानी है, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट सोर्स में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, या यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, सिटी सेल्स है ना, तो डैशबोर्ड जैसा लुक बन जाता है इसमें। ठीक है, बहुत है आज के लिए। Thank you.